शांति। आज हम मीठे बाबा की 28 जून 2024 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो। अंतर्मुखी माना ये जो पांचों इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा, इससे उपराम हो जाओ। जब आत्मा इससे उपराम हो जाती तो अपने स्वधर्म में स्थित हो जाती। और हमारा स्वधर्म क्या है? शांति। तो बाबा कहते, अंतर्मुखी बन, चुप रहो। मुख से कुछ भी बोलो नहीं, है ना? मुख से कोई भी व्यर्थ विस्तार के बोल नहीं बोलो। हर कार्य शांति से करो। अंतर्मुखी बन, शांति में स्थित होकर हर कार्य करो। कभी भी अशांति नहीं फैलाओ, क्योंकि अपनी अवस्था देह अभिमान की है। तो फिर जो भी हम बोलते हैं, करते हैं, उसमें वाइब्रेशन अशांति की होती और अशांति ही फैलती है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो बाबा कहते, क्रोध। है ना, कई बार हम सोचते हैं इस देश ने हमें कंगाल बनाया, इस धर्म ने हमें कंगाल बनाया, इस युद्ध ने, इस प्राकृतिक आपदा ने कंगाल बनाया। लेकिन बाबा कहते, वो सब भी क्यों हुए? क्योंकि अंदर विकार है ना? तो कंगाल किसने बनाया? रावण ने। और आज बाबा रावण के किस रूप की मुख्यतः बात करते? क्रोध की। कहा जाता है, जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं, माना दरिद्रता आ जाती। वहाँ जो कुछ प्राप्त है वो सब जैसे खत्म हो जाता। भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था, वो इस भूत के कारण खाली हो गया है। मालामाल से कंगाल हुए क्रोध के कारण, क्योंकि क्रोध अग्नि की तरह है। क्रोध का हमेशा जो वर्णन है वो अग्नि के रूप में किया जाता, और जहाँ अग्नि होती वहाँ सब कुछ जल जाता है ना? ऐसे ही क्रोध भी है। जहाँ क्रोध होता वहाँ समृद्धि नहीं होती, वहाँ सब कुछ जल जाता है। इन भूतों ने ही तुम्हें कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है और दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। अब क्रोध को कैसे निकालेंगे? तो आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए। आत्मा का स्वधर्म शांति है। अंतर्मुखी बन, अपने स्वधर्म में स्थित हो तो क्रोध का भूत निकले। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। इन इंद्रियों की खींच से उपराम हो जाओ। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। ये बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, है ना? जो बच्चे बाबा के सम्मुख बैठकर सुनते हैं, बच्चा बनकर पढ़ते हैं, वही उन्हीं बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं। और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, है ना? बाबा कहते, सबसे मुख्य बात क्या है कि अंतर्मुखी बन, आत्मा समझ, बाप को याद करो। इस मार्ग में कोई जप करने की, मुख से उच्चारण करने की कोई बात नहीं है। यहाँ तो बात है इंद्रियों से परे अंतर्मुखी बन, अपने को अंदर ही अंदर आत्मा निश्चय कर बाबा की याद के बल से भरपूर करने की। सिर्फ समझानी दी जाती है, गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। बाबा कहते, कहीं कुछ छोड़ने की बात नहीं, कुछ जप करने की बात नहीं, गृहस्थ व्यवहार के बीच में है। लेकिन बस अंतर्मुखी हो, बाबा को याद करना है। ये है मन मना भव, मुझे याद करो। ये है पहली मुख्य पॉइंट, है ना? क्योंकि बाकी जो पॉइंट्स हैं वो तो तब प्रयोग में आएंगे जब हम पॉइंट स्वरूप में होंगे। तो पहली मुख्य पॉइंट तो है कि पॉइंट बनो।
तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे, है ना। क्रोध तो पानी तक को सुखा देता है। तो आप सोचो, क्रोध से सब कुछ सूख जाता, संबंधों का रस, संपत्ति, समृद्धि सब समाप्त हो जाते। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है ना। अंदर का क्रोध बाहर वाइब्रेशन के रूप में, कर्मों के रूप में, वाणी के रूप में अशांति फैलाने का काम करता है। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहाँ भी साइलेंस में रहना अच्छा है। हर जगह शांत रहकर अपना कर्म करना है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब शांति मिलेगी कैसे? जब अपने स्वधर्म में स्थित होने का पुरुषार्थ करेंगे। शांति तो स्वधर्म है। शांति कोई बाहर की चीज़ नहीं है जो पैसे से खरीद ले या भटक के प्राप्त कर ले। स्वधर्म में स्थित होंगे तो शांत होंगे। ये तो बच्चों को बताया है, शांति का सागर एक बाप ही है। तो जब अपने को आत्मा निश्चय करें, बाबा को याद करें, तभी शांति मिलेगी। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, है ना। यहाँ राम राम जपने की भी बात नहीं, कोई मंत्र उच्चारने की भी बात नहीं। अंतर्मुख रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है तो इसमें जास्ते बोलना नहीं होता। जो नेसेसरी है, जो आवश्यक है, उतनी बोलो। बाकी जास्ते बोलना, व्यर्थ बोलना आवश्यक नहीं। बिल्कुल मीठा बनना है। मीठा माना अंदर से शांत, निर्विकारी। कोई को दुख नहीं देना चाहिए, है ना। अंदर दुख होगा, अशांति होगी तो वाणी में आते, कर्मों में आते, दूसरे को भी दुख देंगे। अंदर शांत होंगे, सुख स्वरूप होंगे तो वही कर्मों में आते भी होगा। लड़ाई आदि करना, ये सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, है ना। बाबा कहते बच्चों बादशाह पीरू वजीर। तो सबसे बड़ा बादशाह कौन है? काम। फिर वजीर है क्रोध। फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है, है ना। एक क्रोध करता, फिर उसके शब्दों का प्रभाव दूसरे पर पड़ता, फिर एक का क्रोध दूसरे के क्रोध को ट्रिगर करता। ऐसे करके पूरा वायुमंडल ही बिगड़ जाता है। बच्चे जानते हैं सत्युग में लड़ाई होती नहीं। क्यों? क्योंकि सब आत्माएं शांत स्वरूप है। लेकिन वो संस्कार तो यहाँ बनाने होंगे ना। ये है रावण पने की निशानी, है ना। रावण राज्य तो होता ही द्वापर से है, तो सत्युग में ऐसी निशानियाँ नहीं हैं। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना। भूत है, पांच भूत है जिनका बाबा ने हमें परिचय दिया है। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, है ना। किसी और को समझाना नहीं है। कोई और क्रोध करे तो भी हमें अंतर्मुखी होना है, क्योंकि उनको अज्ञान है। हम ज्ञानी होकर अगर अंतर्मुखी ना हो पाए तो उनको क्या समझाएंगे? वो तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। देखो, जो रावण संप्रदाय है उनका तो कर्तव्य ही है पांच विकारों के वशीभूत होना। वो तो वही जानते हैं, वही करेंगे। लेकिन अगर उनके साथ हम चलते हुए हम भी क्रोध करने लगे तो फिर तो क्रोध मल्टीप्लाई होगा, लड़ाई लगेगी। तो बाबा कहते अपनी संभाल करो। रावण संप्रदाय का तो काम ही क्रोध करना है, वो तो यही करेंगे। बाप समझाते हैं ये बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए, है ना। और युक्ति सबसे पहले क्या है कि खुद अंतर्मुखी हो, बाबा की याद में रहे। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, कहते हैं ना। तो एक दूसरे ने ताली बजाई भी, खुद ना बजाए उसके साथ, तो क्रोध भागेगा। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए, खुद भी नहीं निकालना चाहिए। कोई निकाले तो उसके रिएक्शन में भी नहीं निकालना है। ये बहुत नुकसान कारक है
है ना, क्योंकि जो क्रोध करता है उससे दूसरे का भी क्रोध, दूसरे के कर्मों का भी पाप चढ़ता है और खुद की भी, देखो सेहत भी, संस्कार भी, कर्म भी सब बिगड़ते हैं। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति बहुत रहती है, वहाँ का वायुमंडल ही ऐसे तपता हुआ होता है ना, शीतलता शांति वायुमंडल में नहीं होती। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम कर देंगे। और एक बहुत बड़ी बात कि क्रोध तो गुप्त नहीं रहता, प्रत्यक्ष हो जाता है और देखने वाला क्या कहता, कहलाते हैं भगवान की संतान और देखो इनको कितना क्रोध आता है। तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। इन भूतों को भगाना है, एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए ये भूत होंगे ही नहीं। ये पांच विकार अभी फुल फोर्स में है ना। बाबा कहते हैं अभी, बाबा जो युक्ति बताते हैं ना कि खुद अंतर्मुखी हो जाओ, दूसरे के साथ क्रोध की ताली नहीं बजाओ, अपने बाबा की याद में रहकर शांत स्वरूप रहो, शांति का वायुमंडल बनाओ, इस युक्ति से पांच विकारों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल है क्योंकि आंखों का आधार भी बुद्धि है ना। तो रावण मत के आधार से बुद्धि कैसे हो गई है, सिर्फ अवगुण देखती है, कोई भी चीज़ देखती है सुनती है ना, तो आत्मा कैसे, बिल्कुल विकार ट्रिगर होते हैं क्योंकि अभी सब आँख कान सब क्रिमिनल हो गए, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देते हैं, है ना, खुद भी ऊंचा आवाज़ करते हैं, जोर से बोलते हैं, क्रोध में अंदर भी तपते हैं और घर को भी तपा देते हैं। काम और क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन हैं, है ना। बाबा काम की भी बात करते हैं कि मुख्य तो काम है, आज क्रोध की मुरली है, लेकिन काम का तो नाम लेना पड़े क्योंकि कामेशु क्रोधेशु है। क्रोध वाले याद कर ना सके, है ना, क्योंकि इतना तपते हैं तो शांति सागर से योग कैसे लगेगा। याद करने वाले तो सदैव शांति में रहेंगे, है ना। एक तो क्रोध वाले याद नहीं कर सकेंगे और याद करने वाले भी क्रोध नहीं करेंगे। अपने दिल से पूछना है हमारे में भूत तो नहीं है, क्योंकि अंदर भूत होगा तो बाहर किसी भी बात से वो भूत जो है प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बाहर की बात नहीं है, अंदर के भूत को नहीं निकाला है तो बाहर छोटी भी बात हुई तो अंदर का भूत जो है वो निकल आएगा। मोह का भी लोभ का भी भूत होता है तो पांचों ही भूत, लेकिन आज मुख्य क्रोध की बात है, पर बाबा कहते काम भी है और कामेशु क्रोधेशु है तो काम पहले है, फिर लोभ का मोह का भी भूत होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है, ये सब भूत है क्योंकि रावण सेना है ना। जैसे गुण अकेले नहीं आते, सातों गुण इकट्ठे आते, ऐसे विकार भी अकेले नहीं, रावण की भी पूरी सेना है। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं ना, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना और इस याद से ये यात्रा करना, सत्तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की यात्रा इस याद के बल से होती है। ये वंडरफुल यात्रा बाबा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंछते बहुत है ना, मूंछते हैं, इसलिए तो निरंतर यात्रा में नहीं रहते। निरंतर यात्रा में रहें तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, पर अवस्था जो है वो इतनी ऊंची मजबूत होती नहीं क्योंकि मूंछते बहुत हैं, समझते नहीं है क्योंकि भक्ति बहुत की है ना, और भक्ति और रावण राज्य तो इकट्ठे चलते हैं, तो भगवान और शैतान के साथ इकट्ठे इतना रहे हैं कि अब बाप कहते हैं कि शैतान को छोड़ो तो समझ नहीं पाते। भक्ति है देह अभिमान, आधा कल्प देह अभिमान रहा है, एक तरफ है ना विकारी बनते गए, पाप करते गए, दूसरी तरफ दान पुण्य जब तब चलता रहा, और अभी उससे निकल कर सचमुच अपने अंदर जांच कर विकारी से निर्विकारी बनना, ये तो नई बात हो गई, तो बहुत इसमें पुरुषार्थ लगता है।
बाहर मुखता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते, है ना। अपनी बुद्धि बाहर इतनी भटकती है, देह देह के संबंधों, देह की दुनिया में ऐसी लगी पड़ी है कि अंतर्मुखी हो, अपने को आत्मा समझे, है ना, आत्म अभिमान में टिक जाए, उसमें मेहनत लगती है। बाप जोर बहुत लगाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। सोचो, बाबा रोज़ हमें पट्टे पर खड़ा करते हैं, फिर भी चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद किया, ऐसा चार्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। परंतु आता ही नहीं, और सब बातें मानते भी हैं, ऐसा नहीं कि बाबा की श्रीमत को नहीं मानते। हाँ, भोजन भी शुद्ध कर लेते ना, जो धारणाएं हैं स्थूल में वो भी मानते हैं, लेकिन अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करें, इस श्रीमत से थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते। फिर कह देते याद कैसे करें, कोई चीज़ तो दिखाई नहीं पड़ती। उनको समझाया जाता है, तुम अपने को आत्मा समझते हो ना, पहले अपने को आत्मा समझें तो बुद्धि बल का प्रयोग करें। वैसे भी आत्मा सब कुछ बुद्धि बल से ही देखती है, है ना। व्यक्ति तो आधी उम्र पास्ट में जीता है, तो पास्ट कैसे, आँखों से थोड़ी देखते हो, बुद्धि से ही देखते हो। तो ऐसे ही जो बात दिखाई नहीं देती वो देख सकते हैं, लेकिन अपने को आत्मा समझे तब बुद्धि बाबा को देखे और अनुभव करे। ये भी जानते हो वो बेहद का बाप है, मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूँ। तो ये तो सब जानने की बुद्धि की बात है, बुद्धि से जानना है मैं आत्मा हूँ, बुद्धि से बाबा को अनुभव करना है, बुद्धि से बाबा से सर्वगुण सर्वशक्तियाँ अपने अंदर धारण करनी है। इसमें कोई मुख से कुछ उच्चारण करने की बात नहीं। मनुष्य शांति मांगते हैं, अब शांति का सागर तो वो परमात्मा ही है। बाबा कहते शांति मांगने से नहीं मिलेगी, विधि से मिलेगी। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करेंगे तो शांति सागर से शांति ही मिलेगी, ज़रूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। और बाबा कहते मुझे याद करो तो सिर्फ हद की नहीं बेहद की शांति में चले जाएंगे। बाकी कोई चीज़ है नहीं, कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। बाबा कहते मैं कोई स्थूल नहीं हूँ, मैं तो अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु हूँ, लेकिन गुणों में सिंधु हूँ। आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है, याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, ओ गॉड, लेकिन बुद्धि कहाँ रहती है? बुद्धि तो इसी दुनिया में रहती है, लेकिन अब हम बाबा को जानते हैं तो हे भगवान, ओ गॉड कहने की बात नहीं है, शिव शिव कहने की भी बात नहीं है। बस अंदर ही अंदर बाबा को याद कर हम गुण शक्तियाँ धारण करते जाते हैं। कौन कहता है? आत्मा कहती है। अपने बाप को याद करते हैं तो बाप बच्चों को कहते मन मना भव। मीठे मीठे बच्चों, अंतर्मुख होकर रहो, ये जो कुछ देखते हो वो ख़त्म हो जाना है, है ना। इन आँखों से जो कुछ देखते हो, ये देह भी सब विनाशी है, तो इसीलिए अविनाशी आत्मा, अविनाशी बाप को याद करें। बाकी आत्मा शांति में रहती है, आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। जो तो अपने आप को आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, लक्ष्य है कि घर जाना है, लक्ष्य है पवित्र बनना है, तो फिर नेचुरल है कि लक्ष्य के आधार से लक्षण भी आएंगे और पवित्रता पर भी अटेंशन जाएगा। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले, बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, है ना, शांति सागर को याद करो तो शांति मिलेगी। परंतु बच्चों में भी बहुत है जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं, सुनो, घरों में रहते हैं बिल्कुल शांत नहीं रहते, ऐसा है हाँ। बाबा कहते घरों में बिल्कुल शांत नहीं रहते बाबा के बच्चे। सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो, बाप को याद करें,
वो नहीं है, है ना। बाबा कहते सेंटर पर भी एकदम टाइम से भागे भागे मुरली में आएंगे, मुरली सुनी चले, शांत में बैठ के बाबा को याद करें वो भी अटेंशन नहीं देते। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो जो कर्म किए हैं वो दिल को खाते रहते हैं। कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो ना सके, क्योंकि देहधारी वो तो अपनी, वो तो पतित आत्मा, वो तो अपनी यात्रा में चल रहे, उनके साथ हम भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो हंसे तो हम हंसे, वो रोए तो हम रोए, वो विचलित तो हम विचलित, हमारे मन का करें तो ठीक, नहीं किए तो परेशान। तो ऐसे फिर दूसरे की देह पे, है ना, गुलाम हो गया ना, गुलाम कहाँ शांति में रहेगा, बस उसकी याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं मनुष्यों में है 5 भूत। अब आप देखो कि जैसे बाप को याद करने से शांत होते हैं, क्योंकि बाबा शांति का सागर है, तो अशांत आत्मा से योग रखेंगे तो क्या होगा, फिर अशांत ही बनेंगे। और मनुष्यों में तो 5 भूत हैं, कहते हैं ना इनमें भूत की प्रवेशता है, इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वो तो करके एक भूत होता है ना, मानो किसी पर वो भूत चढ़ जाता है ना, कि इनको भूत चढ़ गया है तो एक भूत चढ़ेगा, लेकिन हर आत्मा में 5 भूत है उसका क्या, वो भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते हैं ये 5 भूतों की तो हर एक में प्रवेशता है, इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं। बाबा को वो झाड़ फूंक भूत भगाने के लिए नहीं पुकारते, ये 5 भूतों को भगाने के लिए पुकारते हैं। और बाबा भी युक्ति से मुक्ति दिलाते, युक्ति बताते कि अंतर्मुखी बन, बाप को याद करो, बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। ये भूत तो सभी में है, इसीलिए देहधारी को याद किया तो कभी भी शांत नहीं हो सकेंगे। ये रावण राज्य है ना, सबसे कड़ा भूत है काम क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना। अब बाबा कहते मैं इतनी बड़ी सेवा करता हूँ तो मुझे क्या मिले, है ना। वो भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, ये तो बच्चे जानते हैं। बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है, देवताओं में कोई भूत नहीं होता, अभी सब में भूतों की प्रवेशता है। और देवता हैं तो एक भी भूत नहीं, न देह अभिमान, न काम, न क्रोध, लोभ मोह कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है, है ना। लोभ के अखाद्य को खाने की, अप्राप्त को पाने की, है ना, हर भौतिक चीज़ के पीछे भागने की, जैसे अंदर मनुष्य आत्मा को संतुष्टता ही नहीं, तपते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, है ना, इसकी इच्छा उसकी इच्छा में भागते रहेंगे। बाबा कहते हैं ये अंडा खाऊं वो खाऊं, सोचो ऐसे संकल्प भी चलते हैं लोभ से, जो अखाद्य है अशुद्ध है उसको खाने के पीछे कितनी बुद्धि चलते हैं। बहुतों में भूत रहते हैं, अपने दिल से समझते हैं कि बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है, है ना, दिल साफ होगी तो समझेंगे। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। दे अभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनूं, ये करूं, है ना, ये छूने की, भाकी पहनने की, भाकी पहनना माना गले लगना, है ना, ये सारी इच्छाएं, भूत इच्छाएं प्रकट करते हैं ना, तो ये जो सारी देह को छूने की, भाकी पहनने की इच्छाएं हैं, ये काम विकार की निशानी है। फिर कमाई सारी चट हो जाती है ना, फिर देह के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्रोध वाले का भी ये हाल है ना, मुख से कड़वा बोलने की, दुख देने की इच्छा होगी, है ना, अशांति फैलाने की हो, पता भी है कि, है ना, जिसको जो करना है वो करना ही है, लेकिन फिर भी क्रोध वाला रह नहीं सकेगा। तो बाबा कहते क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं ना, सोचो ये क्रोध जो सोचते हैं ना, क्या है, थोड़ा गुस्सा किया, थोड़ा ये किया, जब धीरे धीरे संस्कार बड़ा हो जाता
तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है? भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरो आदि से भरा हुआ था, वो अब खाली हो गया है ना, क्योंकि जी नेगेटिविटी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। भूत हमें अशांत करते, अशांति फैलाने के निमित्त बनाते, तो फिर हमारे जीवन में और अशांति और दुख की बातें आती जाती है और धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो जाता है नेगेटिव, है ना, नेगेटिव इमोशंस से, विकारों के कारण। तो बाबा कहते हैं कि क्रोध के कारण, कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो ये भारत का भी ऐसा हाल हो गया है, ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। ये पांच भूत बड़े ज़बरदस्त हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन माया भी कम नहीं है, विकार भी बहुत तीक्ष्ण है। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है ना, तो आधा कल्प जिसका राज्य चला है वो पावरफुल तो हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय तो बात मत पूछो, इस समय तो बिल्कुल चरम सीमा पर है। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है ना। तो जिसका बीज विकार है तो विकार का संस्कार तो रहता है। भूत तो है ही ना, पांच भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसे बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं, फिर कंगाली होती है तो और कर्जा लेते हैं, और कर्जा तो और कंगाली का साधन है। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। समझो, कंगाल और मालामाल दोनों किससे बनते हैं? विकार और निर्विकारी अवस्था का लेना देना है। जितना हम आत्माएं निर्विकारी बनती हैं, पवित्र बनती हैं, तो भारत भी संपत्तिवान बन जाता है। ये अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे, समझ तो कुछ भी नहीं थी, है ना। बाबा तो ये सब कुछ करते थे पर कैसा अयथार्थ। मैं आत्मा हूँ, वो हमारा बाप है, ये भी समझ नहीं थी। इसीलिए पूछते हैं कैसे याद करूँ। अब अपने को आत्मा निश्चय करें, ये निश्चय, ये मेरा बाप है। तो बाबा ने कहा ना, बच्चा कभी ये कहेगा मैं बाप को याद नहीं कर सकता? अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए। देखो, किसी का देहधारी पिता शरीर छोड़ देता है तो भी उसको याद करते हैं ना, है ना। तो बाबा कहते ये बाप तो हमारी प्रैक्टिकल पालना कर रहे हैं, इसको याद क्यों नहीं कर सकते? तो बाबा कहते अरे तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो ना, हे भगवान आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, है ना। गाइड क्यों बनना है? क्योंकि आत्माएं पवित्र बन मुक्ति, जीवन मुक्ति में खुद नहीं जा सकती, तो बाबा आकर सिखाते हैं। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया पतित है, विनाशी है। तो बाबा कहते हैं अब इससे बिल्कुल वैराग आ जाना चाहिए, नफरत माना दिल ना लगी हो। इस समय सबकी आत्माएं काली हैं, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा? अब बाबा कहते लेकिन गोरा शरीर तो होता है ना। तो बाबा कहते वो भी क्या है, वो भी गोरा कैसे है? वो तो बस सोचो, एक मिलीमीटर का भी हिस्सा जो है वो 100 का हिस्सा होगा, जो स्किन है। स्किन कैसी होती, एकदम पतली, उसके काले गोरे में फंसे रहते, जबकि आत्मा काली, पूरा शरीर मैल से भरा हुआ है, इतने रोग हैं, लेकिन उस विकारी देह के पीछे पड़े रहते। तो बाबा कहते हैं जब बुद्धि के नेत्र से देखें तो शरीरों से, पुरानी दुनिया से जैसे वैराग आ जाए। भल करके चमड़ी कितनी भी सफ़ेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना,
और चमड़ी कितनी है, वो तो 0.01 मिलीमीटर भी नहीं है। चमड़ी तो बहुत पतली है, बाकी तो सब कुछ काला ही है। तो बाबा कहते, जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले, उनको अपना नशा कितना रहता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं पड़ता कि आत्मा गोरी कैसे बनती है ना। जो विनाशी है, नश्वर है, इतना टेम्पररी है, उसके पीछे पड़े रहते, और आत्मा को गोरा कैसे बनाए वो ख्याल भी नहीं आता। इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक, है ना, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं है। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते वो है नास्तिक, जो जानते हैं वो हुए आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, कहाँ तक हमारे में सफाई है ना, हम कितना विकारों को जीते हैं, दिल को कितने साफ किया है। तो बाबा कहते, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ, जिसके जिसके अंदर सफाई होगी उसके अंदर तो और कोई संकल्प ही नहीं होगा। जहाँ मैल होती है वहाँ अनेक प्रकार के कीड़े और जर्म्स पनपते हैं, लेकिन जहाँ सफाई होती है वहाँ तो क्या होगा, है ना, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते, ऐसे ही सफाई है तो एक आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, दूसरी कोई बात ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। शरीर कैसा भी हो, है ना, अगर एक दो अंग भी काम नहीं कर रहे कोई बात नहीं, तुम्हें तो याद के बल से विजय पानी है रावण पर। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है। तो बल हो गया जिस्मानी मारने के लिए। आजकल बल भी क्या कहते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बल को बल कहते, फायदा पहुंचाने के बल को बल नहीं कहते। बुद्धि में है हम विजय पाए, तुम्हारा तो है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, क्योंकि हमारा बल तो रूहानी बल है ना। हमारा बल वो जिस्मानी बल नहीं है कि कोई हमें शारीरिक बल से हरा दे। आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं। तुम क्या बनते हो थोड़ा विचार तो करो, है ना, बैठकर रोज विचार करना चाहिए, मुझे कौन मिला है, मैं क्या बन रहा हूँ। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वो समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो माया जीत खुद ही बन जाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सकते, क्योंकि भक्ति और रावण राज्य एक साथ चलते हैं। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, भाकी पहनी, तो समझो चट खाते में गया, है ना। ये ऐसी अशुद्ध इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता। पुरानी देह को छूने की क्या ऐसी इच्छा होती है, वो तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है। लेकिन खुद भी अछूत अस्वच्छ होंगे तो ऐसी इच्छाएं होंगी। अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत हूँ। बाप कहते, देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे, हिम्मत तो दिखानी पड़े। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए, समझाते रहते हैं, अपनी जांच करो, है ना। खाली ऐसे नहीं सोचो हम बाबा के बन गए, स्वर्ग में जा रहे हैं, देखो तो निर्विकारी बने हैं। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बिगैर रहते नहीं हैं, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी ना आए तब ऊंच पद पा सकते हैं, इसीलिए 8 रत्न गाए गए हैं। सोचो इतनी पढ़ाई और रत्न कितने निकलते, 8। क्यों? क्योंकि इतने बच्चे, 8 ही बच्चे होते हैं जो संपूर्णता बाबा की श्रीमत को धारण करते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए, है ना। और रत्न माना
नौ रत्न गाए जाते हैं ना, बाबा और आठ रत्न, तो ऐसा बनो। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उतने में उसमें भी आठ रत्न पास विद ऑनर होंगे, उनों को ही प्राइज मिलेगी, बाकी सब तो थोड़ी थोड़ी सजाएं खा के जाएंगे। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है ना, दुनिया नहीं जानती कि विकारों पर जीत पाना कितनी बड़ी मंजिल है। चलते चलते गिर पड़ते भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहाँ विकार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। तुम जानते हो 5,000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं? कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर ये जो झाड़ है उसमें भी ये लिख देंगे कि कल्प में इतने मास, इतने वर्ष, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे? बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है, ये अंडरलाइन करना है आज मुरली में, ये मुख्य बात है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश, तो जैसा बीज वैसा फल है। वहां भ्रष्टाचार होता नहीं, रावण ही नहीं है, है ना। भ्रष्टाचार सिर्फ वो नहीं होता जिसको आज भ्रष्टाचार समझते हैं, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचरण आत्मा की गुण स्वरूप नहीं है। रावण को भी कोई समझते नहीं, तुम रावण पर जीत पाते हो फिर तो रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो, बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए, है ना। बाप के बने और खाली हाथ रह जाएंगे क्या? वर्षा तो पाना चाहिए ना, वो भी फुल वर्षा। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी असुर बनते हो, उसका हिसाब नहीं निकाल सकते क्योंकि अनादि अविनाशी है। अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। शिक्षा तो सब लेते हैं, मुख्य बात क्या है? अमल करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लदे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती हैं, जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। वरदान है, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। बाबा ने विधि बताई, हिम्मत से मदद मिले, और ये ईश्वरीय विधान है, लॉ है ना। इस लॉ को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंधी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते, है ना। फिर तो कोई बिना किए कुछ, एक कदम भी बिना बढ़ाए अगर बाबा की मदद मिलती तो फिर तो सभी राजा बन जाते। लेकिन बाबा ने, क्योंकि राजधानी बननी है तो ये विधान बना हुआ है, लॉ बना हुआ है कि एक कदम पहले बच्चा बढ़ाएगा तो 1,000 कदमों की मदद बाबा देंगे। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। जो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो। बाबा कहते जितनी मदद लेनी है उतनी हिम्मत दिखाओ, मदद लो। चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लॉ सबके लिए एक है।
जो हिम्मत रखेगा उसको मदद मिलेगी, लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो, हो जाएगा कर लेंगे नहीं, तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा, कदम में पदम की कमाई होती जाएगी। स्लोगन है, संकल्प के खजानों के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। इकोनॉमी माना कम खर्च प्राप्ति ज़्यादा। आप कम संकल्प में ज़्यादा प्राप्ति कैसे होगी? जब संकल्प शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, शक्तिशाली हो, श्रीमत प्रमाण हो। तो संकल्पों में इकोनॉमी करना माना हर संकल्प मर्यादा की लकीर के अंदर शुद्ध, श्रेष्ठ और शक्तिशाली ही रचे, तब संकल्पों कम संकल्प में अधिक प्राप्ति होगी और संकल्पों का खजाना भी जमा होता जाएगा। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनते हैं। 28 जून 2024 के अव्यक्त इशारे। भले पुराना शरीर है, लेकिन बलिहारी तो इस अंतिम शरीर की ही है, क्योंकि इसी शरीर से हमें पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है, इसी शरीर के आधार से हम परमात्मा मिलन मनाते हैं। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है, पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, है ना, इस पुराने शरीर के विकारी इंद्रियां या इसकी, है ना, स्वास्थ्य के भान में नहीं आना, बीमारी आदि के भान में नहीं आना। भान में नहीं आना माना अफेक्टेड नहीं होना, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराना है। इस शरीर को हम मालिक बन कार्य में लगाएं, शरीर का महत्व है, लेकिन जब हम मालिक बन के कार्य में लगाते और जब शरीर के भान में आ जाते तो यही शरीर हमारी दुर्गति कर देता। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते चलो। कर्तापन के भान से कि मैं करता हूँ, मैंने किया, ये मैंपन से मुक्त रह कर्म करना ही कर्मयोगी स्टेज है। अच्छा, ओम शांति।